हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए एक सैमसंग का न्यू मॉडल रेफ्रिजरेटर लेकर आए हैं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो सभी के घर में एक अच्छा जो है रेफ्रिजरेटर का रिक्वायरमेंट रहता बना रहता है। और आप सभी जो चाहते हैं एक चीपेस्ट प्राइस में एक अच्छा प्रोडक्ट परचेस कर ले, तो हमारा चैनल का हमेशा यही लक्ष्य है कि आप अपना पैसा जो बिल्कुल सही जगह इन्वेस्ट करें और बेस्ट प्रोडक्ट ही आप परचेस करें। तो इस प्रोडक्ट के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जो कि सैमसंग का 5-स्टार रेटिंग के साथ अब बिल्कुल न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप ही एक अच्छा रेफ्रिजरेटर परचेस करना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। तो चैनल को लाइक और प्यार सपोर्ट जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम किसी भी वीडियो में किसी भी प्रोडक्ट का जो है प्रमोशन नहीं करते हैं। हमारे चैनल पर जो भी जेन्युइन है, जो भी सच्चाई है, वही प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। इसलिए हम किसी भी वीडियो में किसी भी प्रोडक्ट का जो है परचेस लिंक नहीं डालते हैं, ठीक है। आपको जहां से मन हो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो अभी तक ने आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद इसके फीचर्स के बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आप इस शॉप से परचेस करना चाहते हैं तो इस शॉप से भी परचेस कर सकते हैं। शॉप का नाम हो गया ओम शिव शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा, ठीक है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और ऑल एड्रेस जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चाहें तो यहां से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और हम किसी भी वीडियो में उसे परचेस लिंक नहीं डालते हैं, बस इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके इसको रिव्यू करके हम आपको दिखाते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. इसको अनबॉक्सिंग कर लिए हैं। अब हम फर्स्ट नंबर में आपको ये बता देते हैं कि आप रेफ्रिजरेटर मार्केट में परचेस करने के लिए जाए तो क्या क्या चीज का ध्यान रखें, ठीक है। नंबर वन, उसका स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग का मतलब क्या होता है वो आगे वीडियो में आप समझ जाइएगा। स्टार रेटिंग देख लीजिए कि उसका बिजली कंजप्शन कितना है, ठीक है, स्टार रेटिंग। सेकेंड नंबर ये देख लीजिए आपको कितना लीटर रेफ्रिजरेटर का जरूरत है, ठीक है। थर्ड नंबर में आप ये देख लीजिए उसका जो कंप्रेसर लगा हुआ है किस टाइप का कंप्रेसर है। फोर्थ नंबर में ये देखिए कि वारंटी उसका कैसा है। जितना आप प्रोडक्ट परचेस तो कर लेते हैं, अगर उसका वारंटी अच्छा नहीं मिला, उसका सर्विस अच्छा नहीं मिला, तो आप बाद में जो है फिर आपको प्रोडक्ट परचेस करने से कोई फायदा नहीं है। तो जहां भी आप रहिए आप ये जरूर चेक कर लीजिए कि उसका जो है ये चार बातें कैसा उस रेफ्रिजरेटर का ब्रांड में आपको दे रहा है, ठीक है। तो ये जो सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है आपको 5-स्टार रेटिंग के साथ मिलता है। तो 5-स्टार रेटिंग देखिए सबसे बेस्ट अगर रेफ्रिजरेटर होता है वो 5-स्टार रेटिंग होता है। वो कैसे होता है सो हम आपको बताते हैं। अगर बिजली कंजप्शन जो है सबसे कम खपत करता है, क्योंकि अगर आप इस रेफ्रिजरेटर को कंटिन्यू 1 ईयर चलाइएगा, 365 दिन कंटिन्यू जो है 24 आवर्स अगर आप इसे चलाइएगा तो मात्र जो है 131 यूनिट का जो है आपको ये बिजली खपत करने वाला है, ठीक है। और ब्रांड जो है सैमसंग का मिलता है। और इस रेफ्रिजरेटर का मॉडल भी हम आपको बता देंगे। और ये रेफ्रिजरेटर जो है अगर आप पावर सप्लाई दीजिएगा तो डायरेक्ट कूलिंग करने लगता है। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, इसमें आपको डायरेक्ट कूलिंग होने लगेगा, ठीक है। प्लस में टोटल जो है अगर आपको स्टोर करना है इसमें 189 लीटर तक आप जो है इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर आपका इतना जरूरत नहीं है तो इससे छोटा भी रेफ्रिजरेटर परचेस कर सकते हैं। और ये जो है बहुत ही अच्छा स्टोरेज माना जाता है 189 लीटर प्लस स्टैंड बेस। इसमें आपको स्टैंड भी दिया हुआ है, आपको अलग से स्टैंड भी परचेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। देखिए हम आपको बता दिए 5-स्टार रेटिंग है, 1 साल में बिजली कंजप्शन जो है 131 यूनिट है इसका। अप्लायंस रेफ्रिजरेटर ब्रांड सैमसंग का मॉडल देख लीजिए। आप अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेस करना चाहते हैं तो ये मॉडल जरूर बताइएगा, RR21C2H25UZ, ठीक है। और ये 2023 का है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और टोटल वॉल्यूम जो है इसका 189 लीटर टोटल आप इसमें स्टोर जो कर सकते हैं 189 लीटर। पुराना मॉडल जो है आपको ग्रॉस वैल्यूम यहाँ पे 2 दिया गया था, ग्रॉस वैल्यूम और स्टोरेज वैल्यूम। अभी जो नया आपको दिया गया है सभी में दे दिया है टोटल वॉल्यूम, देखिए 190
89 लीटर, ठीक है। और ये देखिए स्कैनर दे दिया गया, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसके बारे में समझने में, या आपको ये पता लगाना है कि ये रेफ्रिजरेटर कब मैन्युफैक्चर हुआ है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। इसको स्कैन कर लीजिएगा तो आपको जो है ऑनलाइन ये दिखा देगा ये मैन्युफैक्चर कब हुआ है, इसका मॉडल क्या है, इसका सीरियल क्या है, सभी जो है पता लगा सकते हैं इसको स्कैन करके, जो कि नया दिया है, पुराना हम आपको नहीं दिया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये सैमसंग का लोगो दे दिया गया है, प्लस में ये गारो डिजाइनिंग हैंडल दे दिया गया है जो कि न्यू लुकिंग के साथ मिलता है और बहुत ही अच्छा लुकिंग आपको ये देगा। यहाँ पे इसमें लॉक का भी सिस्टम दे दिया गया है। और अगर नीचे आते हैं तो ये देखिए 20 ईयर्स वारंटी ऑन कंप्रेसर, जो कि किसी भी ब्रांड में भी आपको नहीं दे रहा है। सैमसंग में अगर आप 2022 में परचेस करते तो मात्र आपको 10 ईयर वारंटी देता, तो अभी आप अगर इसे परचेस कीजिएगा तो 20 ईयर्स वारंटी आपको मिलने वाला है। और प्लस में हम आपको बताए थे वारंटी के साथ साथ उसका सर्विस भी होना चाहिए, तो आप अगर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप जो है रहते हैं, कहीं भी आपका घर हो, तो सैमसंग तरफ से आपको अच्छा वारंटी दे दिया जाएगा और सर्विस भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि सैमसंग जो है बहुत ही बड़ा ब्रांड है और आपको सर्विस भी अच्छा देता है। 48 आवर्स के अंदर जो है आपके घर पे जो है सर्विस मिल जाएगा। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो है कॉल करके अपने एरिया में पता लगा सकते हैं कि इसका सर्विस सेंटर जो है कितना डिस्टेंस में पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप प्रोडक्ट कोई भी परचेस कीजिए, बस उसका सर्विस देख लीजिए, सर्विस आपको अच्छा मिलता है या नहीं। इसे घर के इन्वर्टर पर भी चला सकते हैं, मात्र 2 CFL बल्ब जितना जो है ये आपको बिजली खपत करने वाला है, जो कि बहुत ही कम बिजली खपत करेगा। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, देखिए इसमें विथआउट स्टेबलाइजर का भी इसे आप चला सकते हैं, इसमें कोई भी स्टेबलाइजर आपको नहीं लगाना पड़ेगा। 21 ईयर्स ऑफ रिलायबिलिटी टेस्टेड बाय VDE बोर्ड, VDE बोर्ड के द्वारा 21 ईयर तक इस रेफ्रिजरेटर को टेस्ट किया गया है, ये बहुत ही अच्छा वर्किंग आपको करने वाला है, ठीक है। और इसमें देख लीजिए, हम आपको बताए थे ये स्टैंड दिया गया है जो कि ड्रॉल स्टैंड मिलता है, जिसमें इसमें आपको जो है आलू प्याज रखने के लिए ये जो है स्टैंड दिया गया है। इसमें आप वेजिटेबल मत रखिएगा, ये कूलिंग नहीं करता है, ओनली ऑन ड्रॉल स्टैंड बना दिया है। आपको अलग से मार्केट से कुछ भी नहीं परचेस करना पड़ेगा इस रेफ्रिजरेटर को परचेस करने के बाद। तो चलिए इसका इंटरनल हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये ऊपर जो है इसका फ्रीजर बॉक्स मिल गया, इसमें आप जो है कुछ भी बर्फ जमाने का या आइसक्रीम रखने का सभी में इसमें उपयोग कीजिएगा, इसमें रखना है आपको। नीचे हाई चिल ड्रॉल दे दिया गया है, उसके बाद ये देखिए टफेन ग्लास इसमें लगा हुआ है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलता है आपको, ये टूटने वाला नहीं है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग दिया गया है। उससे नीचे आइएगा तो आपको देखिए ये वेजिटेबल बॉक्स है, वेजिटेबल बॉक्स में इसका वारंटी पेपर और इसका चाबी जो है उसी में दिया गया है इसको लॉक और अनलॉक करने के लिए। और एक आपको जो है आइस मेकर भी इसमें मिलता है, और 2021 में या 22 में आप इसे परचेस करते हैं तो 2 मिलता था, अभी आपको मात्र जो है 1 पीस आइस मेकर इसमें दिया गया है, ठीक है। और डॉल बता दिए, डॉल स्टैंड है। और अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से थर्मल कंट्रोल आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप कूलिंग कंट्रोल कर सकते हैं, और ये ई डिफोर्स का सिस्टम दिया गया है, यहाँ से डिफोर्स कर सकते हैं। डिफोर्स कब करना है तो हमारे चैनल पर अपलोड है, उसे हम आपको बता देते हैं। जब इसमें आपका जो है पूरा बर्फ जम जाता है, ठीक है, बर्फ आपका पूरा जम जाता है, आपका इसका जो है डोर नहीं खुलता है, तो आपको जो है इसको मात्र जो है 3 सेकंड के लिए पुश कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मात्र 3 सेकंड के लिए पुश कर दीजिएगा तो आपका जो है डोर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, और कुछ सिस्टम नहीं दिया गया है, जो कि सभी ब्रांड में रहता है वैसा ही है, ठीक है। और इस साइड अगर आप देख लीजिए डोर में क्या दिया है, यहाँ पे आप दूध अंडा जो भी आपको रखना हो, नीचे आप बिग साइज का बोतल भी रख सकते हैं पानी का, ठीक है, दूध का बोतल, जो भी आपको उपयोग के अनुसार जो आपको रखना हो वो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। अच्छा खासा जो है स्टोर आपको इसमें दे दिया गया है, ठीक है। और इसके रिलेटेड जो है आपको, तो फ्रेंड्स जो भी इसमें फीचर्स था सारा कुछ हम आपको बता दिए हैं। अगर हमसे फिर भी कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर जो है हम आपको दे देंगे। देखिए रेफ्रिजरेटर जो है बहुत ही अच्छा है, लुकिंग भी अच्छा है, और इस रेफ्रिजरेटर को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि 5-स्टार रेटिंग के साथ मिलता है। अब इसके प्राइस हम बता देते हैं, ये जो है अभी हम ऑफलाइन का प्राइस बता रहे हैं, इसका मात्र अभी जो है आपको डिस्काउंट करके देखिए इसका जो प्राइस है 24,999। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो 19,900 हम आप इसे परचेस कर सकते हैं, 19,900 हम आपको इसे घर मंगवा सकते हैं, बस आपको डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा अगर इस शॉप से आप परचेस करना चाहते हैं तो, नहीं तो आपको जहां से परचेस करना हो आप वहां से कर सकते हैं, बस इसका मॉडल नंबर बता दीजिएगा आप वहां भी परचेस
कर सकते हैं, ठीक है। इस शॉप का ऑल डिटेल्स जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप वहां से भी इसको परचेस कर सकते हैं। और एक चार हम आपको दिखा देते हैं, इस रेफ्रिजरेटर में आपको जो है आपको जाली टाइप जो रहता है वो इसमें नहीं दिया गया है, पूरा पैकिंग पैकेज रहता है जो कि बहुत अच्छा है, डस्ट से आपको सुरक्षित कर देता है। पीछे इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है, और डस्ट से बहुत ही आपको, और ये बहुत ही अच्छा लुकिंग आपको घर में देने वाला है जो कि बहुत अच्छा है। सैमसंग में का आपको सभी रेफ्रिजरेटर जो है पीछे पूरा पैक रहता है, ठीक है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मेरे मुताबिक आप इसे जो है परचेस कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा मॉडल के साथ 20 साल वारंटी, जो कि ओल्ड मॉडल में आपको नहीं दिया जा रहा था, मात्र 10 साल वारंटी था कंप्रेसर का, अभी आपको 20 साल वारंटी मिल रहा है। तो आपको जहां से मंगवा रहा हूं आप मंगवा सकते हैं। आप बस एक काम कर सकते हैं, अगर अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को जो है अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप कमेंट करें आपको क्या चीज का प्रॉब्लम हो रहा है उसका जो है 24 आवर्स अंदर जो है हम रिप्लाई आपको दे देंगे। चलिए एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट के साथ। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।